चलो बच्चा देखो, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक ना, कि कंप्यूटर टोटल 8 कैरेक्टर से मिलकर के बना हुआ है। तो इन्हीं 8 कैरेक्टर में से हर एक कैरेक्टर की मीनिंग क्या होती है, हर एक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, उसी के बारे में आज हम बताएंगे, ठीक ना। तो चलो देखते हैं, जब कंप्यूटर ठीक ना, कि कंप्यूटर में टोटल 8 कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक ना। तो हम सिंगल सिंगल देखते हैं बच्चा। सबसे पहला होता है सी, सी होता है कंप्यूट, सी ओ एम पी यू टी, और कंप्यूट मीन्स होता है गणना, ठीक। नेक्स्ट होता है ओ एम पी यू टी ई, और नेक्स्ट होता है आपका आर, ठीक ना। चलो देख लेते हैं, ओ मीन्स होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है व्यवस्थित, यम इज मशीन, यन बोल सकते हैं, नोट कर लो इसको, बता देंगे। पी मीन्स होता है प्रिंट, यू मीन्स अपडेट, परिवर्तन, टी मीन्स टेबल, एजुकेशन, शिक्षा, और आज भी होता बच्चा रिसर्च या रिस्पॉन्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ये बच्चा आपका मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर में हर एक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। बस ये छोटा सा चैप्टर था, ये जान लो कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर में, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बुकों में डिफरेंट प्रकार की मीनिंग आपको मिलेंगे, ठीक ना। क्योंकि और एक चीज की मीनिंग ऑफ कंप्यूटर से कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं होते हैं, बस ये आपकी जानकारी के लिए है। आप लोग कंप्यूटर पढ़ने और सीखने आए हैं तो ये इतनी चीज आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में हर एक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो ये जो हम लिखाए हैं ये आपको हाई लेवल बुकों में मिलेंगे, ठीक। तो जैसे देखो सी मीन्स क्या होता है, कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स गणना, ठीक ना। नेक्स्ट ओ मीन्स होता है बच्चा आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्यवस्थित रखना। नेक्स्ट होता है यम, यम मीन्स मशीन, मशीन मीन्स यंत्र, जान ही रहे आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट होता है प्रिंट, छपाई, यू मीन्स अपडेट मीन्स परिवर्तन। नेक्स्ट आपका क्या, टेबल, टी, टी फॉर टेबल मीन्स सारणी, ठीक ना। ई फॉर एजुकेशन मीन्स शिक्षा। नेक्स्ट आर फॉर रिसर्च या रेस्पॉन्स, ठीक। तो ये है बच्चा आपकी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक। ये नहीं जो आज हम लिखा दिए हैं, ठीक,
यही आपको सारे बुकों में मिलेगी। आप दूसरी बुक लेंगे उसमें दूसरा कुछ मिलेगा, कि कोई दूसरी बुक लेंगे उसमें दूसरा कुछ मिलेगा, बस कंप्यूटर से मिलता जुलता आपका रहना चाहिए, ठीक है ना। चाहे जो आप बता दीजिए, ठीक हो गए नीचे है? चलो तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो बोल सकते हैं सर 2 दिसंबर, ठीक ना, कि कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नीचे डाल दो नोट और लिख दो, लिख दे रहे हैं नोट, द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेकेंड दिसंबर ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछता है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलना आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये लगभग लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका ओ लेवल हो, ठीक है ना, बीसीसी हो, एसीसी हो, सीसीसी हो, ठीक ना, तो इन सारे छोटे मोटे एग्जाम में, या कभी आप लेखपाल की बैठक से बैठ जाओ, वीडियो की बैठक से बैठ जाओ, तो वहां पर भी ये सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक ना। और ये जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, आपको नामली किसी बुक में मिलने वाला नहीं है, नोट कर लो। जैसे कभी कोई पूछता है कि आप मान लो आप लोग कंप्यूटर पढ़ने आए हुए, ठीक ना, ये कोई आपसे पूछ ले कि भाई कंप्यूटर शब्द, ठीक ना, सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर शब्द सबसे पहले किस, कब और किस पुस्तक में लिखा गया, कंप्यूटर शब्द सबसे पहले कब और किस पुस्तक में लिखा गया, पता है नहीं पता, ठीक ना। चलो तो बोल सकते सर कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया द वर्ड कंप्यूटर वाज फर्स्ट यूज्ड इन ए बुक कॉल द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स इन 1630। कि विकिपीडिया के अनुसार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में 1613 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर शब्द सबसे पहले कब और किस पुस्तक में लिखा गया था, बोल सकते हैं सर कि कंप्यूटर शब्द सबसे पहले 1613 ईस्वी में द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में लिखा गया, ठीक है ना, लिख दे रहे हैं द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स दिए पर इन 1630 ये नोट कर, ठीक ना। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, और कंप्यूटर सबसे पहले कब और किस पुस्तक में लिखा गया था, तो 1613 में द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स नामक पुस्तक में लिखा गया, ठीक है ना। ये बच्चा मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, ये मान लो मीनिंग ऑफ कंप्यूटर से कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं होते हैं, बस ये आपके जानकारी के लिए था जो हमने आपको बता दिया था बच्चा। ये आपका एक छोटा सा चैप्टर है, इसको आप देख लेना, ठीक है ना। हाँ, आगे ये पीछे का कुछ क्लियर ना हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, चलो ठीक, देख लेना इसको, दैट्स ऑल।